कल क्या एग्जाम्पल हो गए ना
कहाँ तक हो पाए जहाँ तक ना तो बताओ दसवा कोई बात नहीं बोलते जाइए आपको नहीं आया दसवा बताना है ना देखो दसवा सवाल है इंटीग्रेशन साइन फोर एक्स इंटू कॉस सिक्स एक्स डी एक्स ग्यारह है इंटीग्रेशन साइन टू थीटा डी थीटा सवाल ऐसे छोटे मोटे सवाल हैं ये बन गया है साइन टू के बाद क्या तो बारवा अंतर आ रहा है अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स डी एक्स यही है ना तेरहवा इंटीग्रेशन साइन थ्री एक्स साइन फाइव एक्स डी एक्स चौथा है इंटीग्रेशन टेन टू टू एक्स इंटरसेक्ट टू एक्स डी एक्स पंचवा है इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स सोलहवा है देखो पंद्रहवा का सेकंड पार्ट देखो जरा पंद्रह के सेकंड में क्या ये तेरह के जैसा है क्या वो दसवें के जैसा है दोनों का पंद्रह का सेकंड जब मैं दो बता दूँ तो दो बता देंगे हाँ एक्सरसाइज में देखें पहला कॉट स्क्वायर एक्स का कैसे करते हैं हम लोग कॉट स्क्वायर एक्स माइनस वन कॉट का कैसे से टेन का कैसे करते हैं कॉट का होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन दूसरा जरूर बता देता हूँ सर साइंस का दूसरा इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस कॉट एक्स का वर्ग डी एक्स तीसरा है साइन स्क्वायर टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर वाली चीजें सिखानी है आपको चौथा है क्यों चौथा लग जाए देखो अरे ये सोचो कि मैंने दसवां और ग्यारहवां बता दिया तो लग जाए नंबर तक देखिए दसवें से क्या करना है दिया साइन फोर एक्स कॉस सिक्स एक्स तो इसके लिए तुमको फॉर्मूले आना चाहिए शुरू के वो जो लिखे रहे हैं तो बोल कितने फॉर्मूले हैं क्या हम लोगों ने पढ़ा था टू साइन ए कॉस बी या टू कॉस ए कॉस बी या टू साइन ए साइन बी अब अगर ये तीन होते चार है लेकिन तीन से काम चलता है क्या बता रहा है एक साइन हो एक कॉस हो दोनों कॉस हो या दो एक साइन या दोनों साइन
देखो इसमें क्या है, एक साइन एक कॉस, ठीक है, साइन दोनों साइन एक्सरसाइज का चौथा और एक और था ना, तो देखो एक्सरसाइज का चौथा और आठवा, एक साइन एक कॉस है और आठवा में दोनों कॉस है, चारों का संबंध देख लिया सर। तो अगर ये दो बता दिए जाएंगे तो वो दोनों लगाए जा सकते हैं, सिमिलर ही छोड़ा जा रहा है ताकि आप प्रैक्टिस भी करो थोड़ा बहुत, तो नहीं सर पका पका मिल रहा है, फिर भी बहुत सवाल होगा, सवाल छोटे छोटे सवाल। तो देखिए इनके सूत्र आपने क्या पढ़ा रहे हैं कहीं पर, वही कई बार बताया गया पता है, इन फॉर्मूलों को याद हो, साइन टू थीटा कॉस टू थीटा के सूत्रों के अंतिम नियम को याद होना चाहिए। इसका सूत्र होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और इसका होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस। अगर आप सोचो तो सर पहले कॉस बाद में साइन, अरे ये ऐसे लिख लो ना ऐसे लिख लो, नो अगर साइन कॉस दे रहा है इस और कॉस साइन दे रहा है कॉस साइन तुम लिख लेना साइन कॉस मेरे लिए तो है समझ रहे फॉर्मूला। इसके अतिरिक्त हमको इनमें आवश्यकता पड़ेगी तो इनकी कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, दूसरा होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस और तीसरा होता है वन माइनस। अब इनमें अगर यहाँ टू एक्स आधा कोण है, लेकिन जब यहीं पर एक्स कर दोगे तो एक्स बाई टू एक्स बाई टू टूट जाएगा, कोण का आधा होता है सूत्र, चाहे जितना बड़ा कोण हो, जैसे आप सुनना कॉस सिक्स एक्स कर दूंगे, कॉस सिक्स एक्स का मतलब है यहाँ थ्री एक्स थ्री एक्स थ्री एक्स थ्री एक्स, मैंने एक्स का आधा कोण कर दूंगे। अच्छा इसके अलावा आपको आवश्यकता पड़ेगी तो साइन थ्री एक्स और कॉस थ्री एक्स, तो साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला थ्री साइन एक्स माइनस फोर माइनस फोर साइन एक्स और इसका 4 cos x माइनस 3 माइनस 3 cos 2 कंफर्म जितना जितना तो sin θ तो सबको पता है कि sin θ cos सीधा होता है नो हेलो बना होता है। तो आप देखिए इन सूत्रों को बिल्कुल दिमाग में चलना चाहिए, क्योंकि किसी के आगे आगे जब इससे बच बढ़ेंगे कहीं भी आंसर मिल जाएगा कहीं से आ रहा है, इन सब सूत्रों को हमको तैयार रखना चाहिए। बताओ पहले में कौन सा फॉर्मूला लगाया जा सकता है, क्या किया जाए साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बनाने के लिए फॉर्मूले में उसमें को टू की आवश्यकता है, इसकी दो नहीं है इसमें, तो हमने अगली लाइन में क्या किया कि दो का मल्टीप्लाई और दो का, तो टू कॉस देखते जाना ध्यान से, क्योंकि एक सवाल में आपको भी तो तीन लगाने पड़ते हैं, हर चीज को ध्यान से समझिए, तो जब समाकलन जो जो आगे बढ़ेगा तो जो चीजें बढ़ेगी, जैसे देखो समाकलन नहीं है इसमें प्रतिस्थापन तो आगे हो गया तो लगेगा ही, साथ ही साथ हमको उन फॉर्मूलों का भी यूज करना है। तो क्या मैंने अगर टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाइए तो टू साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी दोनों कोणों को जोड़ दो प्लस एक्स प्लस साइन ए माइनस बी, इसमें इसको घटा दो तो माइनस, तो समझ आया इसे ठीक। अब देखते जाओ डी एक्स, अब हमको इसका अलग अलग समाकलन करना चाहिए, साइन एक बार और लिख लेते हैं इसको, ये लिखा है साइन टेन एक्स और साइन माइनस थीटा बराबर माइनस हो जाएगा, माइनस बाहर आ गया तो साइन टू एक्स हो गया और यहाँ पर डी एक्स हो गया, तो कहने का मतलब एक बटे दो साइन, इसका फॉर्मूला का इंक्लिनेशन साइन थीटा का क्या होता है माइनस कॉस थीटा और अपॉन में आर के देते हैं, आर के गुणा यहाँ क्या है साइन होता है माइनस कॉस एक्स, प्लस हो गया कॉस टू एक्स अपॉन, चाहे आप इसमें एक बटे दो का अंदर गुणा कर दीजिए तो यही आपका आंसर होता है। समझ में आया ऐसा दो का गुणा दो का भाग किया टू साइन थ्री एक्स और साइन फाइव एक्स थ्री एक्स, तो बताओ कौन सा सूत्र बन रहा है टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन का सूत्र क्या होता है कॉस ए माइनस बी, इसमें इसको घटा दो माइनस कॉस होता है माइनस कॉस ए प्लस बी दोनों को जोड़ दो, समझ में आया सूत्र सामने ये ए होता है कोण और ये वाला कोण क्या होता है बी, बस ए बी का मान रखते हैं, पता लग गया कि एक बार कोण कितना बड़ा। अब बताओ
एक बटे दो कॉस माइनस थीटा बराबर सही कॉस थीटा बेहतर साइन होगा तो माइनस आता है कॉस माइनस थीटा प्लस कर जाए और यहाँ कितना हो गया माइनस का कॉस ए बाय थ्री एक्स बनेगा समाकलन करिए तो कॉस का क्या होता है साइन टू एक्स अपॉन और इसका साइन ए बाय अब वो दो तरह के कर पाओ जो प्रॉब्लम है जैसे इन सूत्रों को लगा कर अब वो साइन साइन हो कॉस कॉस हो एक साइन हो एक कॉस हो सब इसका लगे इसमें आ जाते हैं अब इधर देखो साइन क्यूब थीटा का कोई फार्मूला उस तरीके से समाकलन नहीं होता था तीन देखी गई सूत्र याद आया क्यूब थीटा में केवल यही पाया जाता है तो साइन क्यूब के साथ यहाँ देखो क्या लिखा है फोर चाहिए फोर है क्या आपके पास नहीं जब फोर नहीं है तो आपने इसमें चार का गुणा और चार का भाग बना लिया ये टॉपिक आपको इसीलिए अलग से बताया जाता है इंटीग्रेशन तो करना है लेकिन यूजिंग त्रिकोणमितीय सूत्रों का प्रयोग करके त्रिकोणमितीय सरल बनता है ये सब त्रिकोणमिति जो आपने पढ़े फर्स्ट ईयर में लेकर के टेंथ में लेकर के सब कंटिन्यू होना है क्या इससे लिख सकते हैं आप जिसको वो सूत्र मालूम है बताओ फोर साइन क्यूब थीटा की वैल्यू क्या होगी देखो ऐसे ये माइनस का है इसको इधर देखें तो प्लस का होता है और इसको इसी जगह देखें उसकी जगह कितना बना सूत्र 4 sin 2 थीटा 3 का 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा वो x में है और ये किसने दिया है थीटा मतलब अगर कौन है जब वो सूत्र याद होगा तो पक्षांतर करके इसका मान निकाल दो वहां से कोई इधर आया उसकी जगह उसको भेज दो तो सीधे लाइन आई कितनी है अब समाकलन बताओ 1/4 इसका समाकलन करना है sin थीटा का माइनस कॉस थीटा और इसका माइनस होता है कॉस 3 थीटा अपॉन 3 चाहो 1/4 का गुणा करो उधर बच में समझ में आया लेकिन अगर यहां कॉस क्यूब होता तो कॉस क्यूब वाला कौन सा सूत्र है ये इसमें ही कॉस क्यूब के 4 का गुणा 4 का भाग करता मैं और इसका मान जब इसको इधर दे देता है इसकी तरफ ये प्लस को बस अलग अलग हो जाए अलग अलग करना जरूरी है इंटीग्रेशन के लिए आगे ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स आप किसका साइन में आप मान का साइन 2 एक्स का और ये किसका है तो बस ऐसे कुछ नहीं करना है अंडर रूट 1 का मान लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसका सूत्र होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा लेकिन ये तब करिएगा जब यहाँ 2x यहाँ 2x होगा तो ऐसे कमाल होगा लेकिन यहाँ x है तो कौन कैसा ले आधा हो रहा है बाकी सब वही रहता है वो अलग लगाना है 2x काय का सूत्र बनाइए अंडर रूट के अंदर sin x by 2 माइनस cos x by 2 पर क्या होल स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल बचा कितना sin x by 2 माइनस cos x by 2 और 3x बनेगा इसका समाकलन अलग अलग करेंगे इसका समाकलन sin का अलग और किसका cos का अलग तो देखो इसी लाइन के बाद इंटीग्रेशन sin x y को dx अलग माइनस cos x y को dx अलग sin x y को समाकलन बताओ माइनस cos अब x का गुणा हो गया 1/2 को इससे भाग देंगे अगर भाग दो तो चला तो वो ऊपर आ जाएगा यहां भी वही हाल होगा नो सबसे माइनस दो कॉमन ले लो तो cos x y को और प्लस देखिए तो इसके बाद 14 नंबर आया 14 में कोई भाग वाला सत्तर दिख रहा है एक टेन की घात है तो किसको मानना चाहिए बड़ी घात वाले क्या मान लें इसमें तो सब्स्टिट्यूशन आ रहा है हमारा टेन टू एक्स बराबर टी डिफरेंशिएशन बताओ तो इसका 2 आ गया जाएगा प्लस x2 हो जाएगा और देखिए अब जब समझना जब sec स्क्वायर 2x आएगा तो भी आएगा देखो जरा sec में घात है कोई नहीं हमने मिल गई गड़बड़ हो गया हर जगह फंडामेंटल काम नहीं करता बड़ी घात है मुमकिन सब लोग जाते बड़ी घात है लेकिन मानने के बाद देखना भी चाहिए तो अब क्या करते sec स्क्वायर आ रहा है हमने लाया क्या sec स्क्वायर नहीं मिला तो गड़बड़ हो रहा है गड़बड़ क्या हुआ है इसमें मैंने मान लिया तो किसको जब ऐसे नहीं आ
सेक्स इनटू टेन टेन इनटू टू एक्स का करो टू ऑफर डीएक्स बराबर डीटी। ये हमने यहाँ पर मारा। अब ये समाकलन है, इसको इसके जैसा एडजस्टमेंट करो। क्या मैंने इसको लिखा टेन स्क्वायर टू एक्स और एक टेन मैंने अलग कर दिया, एक सेक तो पहले से दिया है और डीएक्स दिया है, तो समझ आया टेन क्यूब को ऐसे लिखा इसके जैसा। तो बताओ कितना हमको मिल रहा है यहाँ पर, कितना इसका मान कितना हो डीटी बाई टू, तो वन बाई टू और हो गया टेन स्क्वायर टू एक्स और डीटी। इतने तो बचे थे, लेकिन आंसर हमको किसमें चाहिए? सेक टेन स्क्वायर का समाकलन होता नहीं है, कैसे होता है? सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस वन और कितना समाकलन तो ठीक है, सब कुछ कर रहा है, ये काय है। और यहाँ से मान लो तो sec 2x का मान कितना है t, तो क्या लिखूँ यहाँ a बटे दो t स्क्वायर माइनस 1 dt। अब इसका समाकलन बताओ, a बटे दो t स्क्वायर का t कोई तो t क्यूब अपॉन 3 माइनस dt। अब t का मान रख दीजिए इसमें, तो sec क्यूब 2x अपॉन 3 माइनस sec 2x कॉमन भी लिया जा सकता है सर, क्यों कोई जाओ तो किसी को बताइए। अरे लेते नहीं, ठीक है कॉमन मिल तो जाएगा, तो समझ में आ गया क्या? सर इस तरह से मामले में थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है, ताकि कार ऐसा क्या बात है जिसका रिजल्ट में इतना काम बढ़ने का है। आगे cos स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, जैसे tan स्क्वायर का नहीं था, cot स्क्वायर का नहीं होता, नो sec स्क्वायर का होता है, cosec स्क्वायर का होता है, tan का नहीं होता क्योंकि इसको ऐसे लिख लेते हैं, cot का नहीं होता क्योंकि cosec स्क्वायर के माइनस में लिख लेते हैं। अब cos स्क्वायर गुणों किसी सूत्र में cos स्क्वायर होता है, ये इससे इनको बताना है, इन सूत्रों का यूज है। बताओ जैसे अभी तुमने cos स्क्वायर में देखा किसके हो सकता है, दो की है क्या आपके पास? तो हमने दो का गुणा और दो का डिवाइड कर दिया, ये कांसेप्ट वही है जो इसमें था। सूत्र बनाने के लिए उसमें चार होता है तो चार गुणा चार का भाग कर दिया, इसका सूत्र बनाने के लिए दो का गुणा दो का भाग कर दिया। अब टू कॉस स्क्वायर एक्स इसका मान बताओ, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है, यही कॉस स्क्वायर एक्स का सूत्र है, हम ये वाला सूत्र लगा रहे हैं बीच वाला, बताओ टू कॉस स्क्वायर एक्स का मान वन बाई टू वन प्लस, ये याद रखा करो आगे बढ़ रहे सवालों में कॉस स्क्वायर मिलेगा तुरंत कितना चाहिए वन बाई टू वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब सुनो इसी सवाल को दिया नहीं गया है, मैं अपनी तरफ से बताता हूँ, अगर इस सवाल में आपको किसी का दूसरा ले लेता है, अगर यहाँ क्या लिखा होता तो आप क्या करते हैं, साइन स्क्वायर कोई सूत्र होता है कोई वन बाई टू, यहाँ लिखते हैं टू साइन स्क्वायर बनता, और टू साइन स्क्वायर का मान बताओ वहाँ से, देखो होता भी नहीं होता है था। आप जैसे मैं वन प्लस कॉस टू एक्स कर रहा हूँ वैसे तुम किसका कर लेते हो, तो कॉस स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर हो कॉस टू थीटा के सूत्रों में ब्रेक करके इसको लगाना पड़ता है। ये नहीं कि हमने कॉस स्क्वायर को बताया आपको साइन स्क्वायर मिल गया तो आपने इसको किया नहीं, ये अपने आप खुद एक क्वेश्चन, तो अपने को इसको क्या करना है बताओ, इसका समाकलन वन बाई टू वन का समाकलन एक्स, इसका समाकलन साइन टू एक्स अपॉन यहाँ पर माइनस लगा तो निकल आ जाएगा। जब तुम लोग इसको एग्जाम में या पेपर में करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे पहले पद में भी समाकलन लगाना, दूसरे पद में भी समाकलन लगाना, यहाँ पर एक में भी समाकलन लगाना, एक डीएक्स फिर कॉस टू एक्स डीएक्स दोनों के अलग अलग समाकलन फिर उनके उत्तर, हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं ना मेरी बात, लेकिन इसमें भी समाकलन में चिन्ह लगाना चाहिए। इसको देखो बताओ एक प्लस बी का होल स्क्वायर बोल रहे इसमें क्यों एक प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और समाकलन और डी एक्स, तो आप देखो यहाँ से टेन स्क्वायर ऐसे मैं कह रहा है अलग कॉट स्क्वायर अलग प्लस टू टेन एक्स कॉट एक्स एक दूसरे की क्या होता है करना है मैंने उससे क्या बचा कितना ऐसे मैं बोल रहा कॉपी वगैरह में ऐसे सेपरेट सेपरेट समाकलन लगाया करो, हम क्या करते हैं बाहर लगा इसका लिख दिया इसका लिख दिया इसका लिख दिया उत्तर हो गया, तो मेथड तो आपको शुरू बता दिया,
सब अलग अलग समाकलन उसको करना है। अब टेन स्क्वायर का समाकलन तो होता नहीं है, तो क्या लिखते हैं इसमें? ये ऐसे लगेगा, इसका भी नहीं होता। Okay.
क्या हुआ? जो आपने पढ़ा है, इसका मन में उसके स्लोगन में वो नहीं कोई कर पाता है।
वहां से लॉन्ग क्वेश्चन इसका मान लो तुम सब लोग तुमसे अपेक्षा और समाकलन में जब मैं लॉन्ग पहुंचाऊं तो यहां तक तुम्हें आए जब मैं समझा दूंगा अपने तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन बना लिए तो इंटीग्रेशन में दूर कर लिया पेपर बहुत अच्छा बनता है और जो उसके पहले का अवकल नहीं है अवकलन वगैरह लिमिट कर दिए ये दुनिया सब कर लेती है आयु आयु और सारणी मानी तो सबको आता है समझ रहे हैं हस्ता अगर तो जगह वो वही है उसकी स्टैंडर्ड्स पढ़ाया गया था ना वर्धमान हास मान के सवाल आता है उसमें से लॉन्ग आएगा फिर समा बना आएगा तीन चैप्टरों को मजबूत करिए जिसमें आपको पता है इससे लॉन्ग आता है देखो जरा इसमें आगे बताता हूँ सुनिए जरा हाँ नवे का हमने क्वेश्चन सी बना रखी है देखो नवे का दूसरा शायद आपको याद आ जाएगा ये बताने से क्या क्वेश्चन दिया था मैंने वन अपॉन साइन एक्स प्लस अंडर रूट टी कॉस एक्स टी एक्स इस तरह के सवाल पीछे लगवाया गया अब देखो इस तरह के कितने सवाल को मैं बताता हूँ एक ये है मैं कह रहा हूँ अंडर रूट टी साइन एक्स हो जाएगा और कॉस एक्स हो जाएगा कोई समस्या नहीं दो सवाल फिर मैं कह रहा हूँ कि वन अपॉन साइन एक्स माइनस अंडर रूट टी कॉस एक्स हो जाएगा चौथा सवाल फिर इसको मैंने माइनस कर दिया अंडर रूट तीन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स चौथा सवाल फिर मुझे लिखना है तो मैंने लिखा टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स नहीं लगा पाएंगे इस तरह के सवाल इनको देना फिर यहाँ देखिए कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स और इन्हें जितने भी संख्या तुम बना सकते हो यहाँ पर उतने संख्याओं के सवाल बना सकते हो करा सकते हो जैसे इनमें और मैं थोड़ा डिफिकल्ट कर देता हूँ कि वगैरह तो बड़ा आसान है सिर्फ साइन एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कहीं ऐसा लग रहा है क्या सवाल याद आ रहा है वही सवाल का मैथ है जो मेरा जो सवाल का मैथ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वही सवाल का मैथ है इनका होता है ये सब सवाल एक ही कॉन्सेप्ट पर रहता है जितने कोई बना बना के देता रहे हमने अगर एक हमको आता है ये आता है ये आता है कोई भी एक आता है हमें सब लग जाना चाहिए इसलिए मैं वो सवाल देता हूँ क्या आप ये सब दुनिया भर के जो पढ़ रहे हैं ये पेपर में नहीं आने वाला यहाँ पर पता ये नहीं आया लेकिन बेस है मजबूत होना चाहिए क्योंकि कॉस स्क्वायर कैसे लगेगा अब ये था ये बेस होता है टैन स्क्वायर कैसे लगेगा ये थोड़ी अगर टैन स्क्वायर का सवाल होगा लेकिन बेसिक होती है ये वाली सवाल आना चाहिए कॉस स्क्वायर का पता चला ये लगाना है साइन क्यूब आ गया कॉस क्यूब आ गया ये वाली लगेगी लिख रहे हैं ऐसे अभी आपने साइन क्यूब लगाया कॉस क्यूब लगाया साइन क्यूब कॉस क्यूब में थ्री थीटा वाले सूत्र स्क्वायर के साथ टू थीटा वाले सूत्र समझ रहे हैं और इनमें आपने देख लिया टैन का और निकाल लिया तो बताओ ये सब सवालों का कॉन्सेप्ट एक देखो मैं इसको बता रहा हूँ इस सब तुम्हें ऐसे समझ में आ जाए एक लाइन में जब भी कभी ऐसा हुआ कि इन सवालों में एक साइन और एक कॉस और प्लस और माइनस और संख्या इधर और इधर और उससे कोई लेना देना नहीं कुछ भी लिखा हो कॉन्सेप्ट इतना सा है कि आपकी मर्जी है मैंने इस पर फॉर्मूला लगाया इसके जैसे कोई भी सूत्र बनाए नहीं होंगे या साइन एक्स लिखा ये अंदर रूट तीन है क्यों ठीक मैंने इसमें दो का भाग दे दिया दोनों में ऐसे और यहाँ भी लिख दिया क्या आएगा मतलब दो एलसीएम लिया दो ऊपर लिया वो दो इससे कट गया जो था वही हो गया नहीं होता देखो क्लियर है ठीक है ये बताया गया कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है अब जब देखा गया तो 1/2 अब फार्मूला बनाना है ये साइन एक्स के साथ चाहे तुम कॉस बना लो चाहे क्या बना लो साइन ही बना दो तरह से बताओ मैं इसको कॉस लिखता हूँ कॉस में कितने नंबर होता है एक सौ साठ फाइव बाय थ्री और इनको मैं कितना साइन एक्स ये कॉस है इसका साइन में मान देंगे साइन कितने लिया तो साठ और कॉस क्यों कर सकते हैं क्या बनाया 1/2 पढ़ो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए कौन सा सूत्र होता है ये भी लिखूं क्या साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी ए और प्लस बी ये हो गया ए और ये हो गया बी ये हो गया कैसे जब साइन ए प्लस बी का सूत्र हो गया तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉस ए एक्स प्लस वाई वाई अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है log tan x by 2 ऐसे नहीं लिखा जाता x की जगह क्या
पर जो x की जगह उसको लिखिए log tan x y, ऐसे तो होगा तो लॉग टेन एक्स वाई दो का अलग अलग डिवाइड कर दिए 1 by 2 log 10 दो का डिवाइड करो x y 2 plus y y आंसर हो जाएगा ठीक। अब सुनो दूसरा तरीका, कोई कह रहा है कि मैं इसको ऐसे नहीं लगाना चाहता उसी सवाल को, मैं पूरी तरह बताता हूँ। अब मुझे यहाँ बताऊँ यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें क्या कर रहा हूँ, और यहाँ पर किसका मान होता है 45 का, साइन 45 कॉस है, कॉस 45 साइन है, साइन एक प्लस बी बन गया मान होता है नहीं देते माइनस अगर आए तो ऐसे ही साइन है कॉस बी कॉस है यहाँ पर साइन ए माइनस बी का सूत्र बन जाएगा। ये जो मैंने अभी प्लस में लगाया तो साइन ए प्लस बी का कब होगा, ये सूत्र लिखते तो साइन ए माइनस बी का बनता है। आया कौन से समझ में, इसमें दो का भाग दो का भाग, इसमें दो का भाग दो का भाग, देखो कितने सवाल निकाल रहे हैं एक जैसे। सब में क्या करना है, एक साइन का मान एक और सवाल का कोई भी सवाल ले सकते हैं, इस सब का कॉन्सेप्ट एक है, एक सवाल से दस क्यों सवाल रेडी हो जाते हैं, तो थोड़ी एक ही सवाल आपको पड़ता है ठीक। अब सुनो आपने इसी सवाल को लगाया क्या 1 अपॉन साइन एक्स प्लस अंडर रूट 3 कॉस एक्स, एक ही में इतने मेथड बता देता हूँ आपको, एक आप इसके माइनस में समझ लिए 2 में समझ लिए, यहाँ पर ना 3 है कुछ नहीं साइन प्लस और कॉस प्लस है तो इस तरह लगे। अब देखो काम नहीं रहेगा 1/2 साइन एक्स, क्यों, क्योंकि अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 के नीचे दो ही चाहिए तो मान होगा ये साइन कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा का मान किसी में आएगा कॉस का भी अंडर रूट 3 बटे 2 होता है कॉस एक्स। अभी मैंने कहा था कि साइन एक कॉस होगा, अगर हम इस साइन का मान होता 30 समझता जैसे और साइन एक्स और ये कॉस 30 का मान होता कॉस 30 साइन साइन कॉस कॉस एक्स तो गलत थोड़ी है, हमने इसमें दोनों बना लिए क्या मैं पढ़ो कॉस ए कॉस बी प्लस सूत्र बना कॉस ए माइनस बी ए माइनस बी ये बना, जब ए माइनस बी बना तो इसका उल्टा कर दीजिए क्या होगा sec x माइनस कितना अब sec थीटा, sec थीटा का समाकल क्या होगा log sec थीटा और प्लस tan थीटा होता है नहीं होता, थीटा जो है वो रखती है ये आंसर हो, दिक्कत ये नहीं है कोई कह रहा लगाओ ऐसे लगा दो तो सही ऐसे लगाओ तो सही वही सवाल है, लेकिन अब तुमने बता दिया ये लगाया आंसर पीछे ये आ रहा है तो मेरा सब उत्तर गलत हो रहा है, ये गलत होने का चांस ऐसा नहीं, बताओ मैंने क्या बनाया। अब अंतर समझो दोनों, यहां मैंने एक cos एक sin बनाया, sin एक भी बना, यहां मैंने sin का sin ही बना दिया cos का cos ही बना दिया सेम टू सेम, ये हो सकता है sin देखो 1/2 cos का मान sin था अंडर 3/2 sin का मान और cos, इसके मैंने क्या किया साइन के साथ साइन बना दिया कॉस के साथ कॉस बना, तब भी कर दिया तब भी सूत्र होता, तो वही सवाल था। अब तुम ये समझो इस तरह के मेरे 5-6 सवाल लगे दिखे दिखे सब इसी तरह लगे सबके प्लस माइनस निकले और सब में दो मेथड लगे, दो मेथड का मतलब कैसे चाहे साइन कॉस में बना लो मिक्स और चाहे क्या ऐसे तो हम आगे बात नोट कर लो इसको यहाँ पता है साइन 45 कॉस 45
लेकिन जब ये दो और रूट ऑफ 3 दे रहा है तो भूल लेना चाहिए कि साइन में 60 अंश का मान और कॉस में 60 अंश का मान ऐसा बना लो। ठीक, अगला देखो cos 3x / cos x लिखा है, ये मैं लगाऊंगा, ये आप लगाएंगे। कौन सा? अरे मैं ये बता रहा हूँ, आप ये लगाना घर में बैठ कर प्रैक्टिस होना चाहिए। इसमें ही कहीं है ना भाई, टॉपिक कौन सा चल रहा है? यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग का सूत्र लगाया था साइन एंगल और थीटा प्लस कॉस से, है ना? ये नहीं जो किताब में सवाल दिए उन्हीं से काम चलेगा, मैंने उसी से इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल और नहीं पूछे थे। हाँ जरा देखो, इसका तीसरा है इंटीग्रेशन कॉस 3x / कॉस x। अब साइन 3x का अलग होता है कॉस 3x, दोनों को इसको बोलते हैं क्या? देखो कॉस 3x का फॉर्मूला वहां से लगाओ, क्या होगा? 4 cos cube x minus 3 cos x upon, क्या होगा? सिर्फ cos x कॉमन लेंगे कुछ कट जाएगा? यस सर। तो जब कटने के बाद बचेगा वो लिखना है, तो ऐसा बनेगा। अब इसका अलग अलग समाकलन करना है, तो 4 cos square x dx minus 3 dx, इसका समाकलन क्या होगा? अभी आपको ये वाला सवाल लगा है ना, मैंने कॉस स्क्वायर याद है, इसी तरह की सब चीजें होती है। इसमें किसकी आवश्यकता थी? यहाँ पर चार है तो दो, और इसको क्या लिख दिया? दो। तो आप बताओ इसका सूत्र, इसका फॉर्मूला? अरे पीछे भी लगाया था, वन का सिग्मा और प्लस, बताओ इसका समाकलन वन का एक्स, इसका ऐसा बनेगा माइनस 3x + c। हल करो, 2x दो का गुणा करना है, दो बन जाएगा sin 2x - 3x + c, कितना घट कर बचेगा? sin 2x - 3x + c, क्या इसके जैसा ये लगा पाओगे? sin कॉमन लेके काट देना, उसमें बताओ कौन सा सूत्र बनेगा यहां पर? sin स्क्वायर, पहले ने sin स्क्वायर को लगाया तो कितना था? दोनों की प्रैक्टिस भी होगी, ये भी सवाल जो बनाया था कि ऐसा आ गया तब कैसे लगाएं, कितना है था, ये नहीं किताब में नहीं दिया तो लगा नहीं पाएंगे, जरूरी थोड़ी किताब में नहीं दिया तो लग नहीं पाएगा, कौन से पकड़ना होता है। देखो जरा चौथा, ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग भी होता है और जिसके दिमाग में अगर क्लिक कर गया तो एक सेकंड में आ जाएगा, दिमाग पर जोर डालने की जरूरत है। क्या लिखा है ये? अगर हमने गौर से देखा तो ये सूत्र के जैसे नजर आ रहा है, कैसे 4 cos cube थीटा माइनस कोण एक जैसा होना चाहिए, कौन सा सूत्र बना ये? ये इसका सूत्र है, बताओ जरा dx / cos 3 थीटा 3 और थीटा का मान 3x, बनेगा तो कितना हो गया 9x, इसका उल्टा कर दीजिए तो sec 9x, नहीं बनेगा ऐसे? अब sec का सूत्र क्या होता है? log sec theta plus tan theta, लेकिन x का गुणांक 9 का क्या दे दीजिए, आंसर हो गया। फिर देखो एक अगला, नौ को छह लिख दिया, छह को नौ log 10 12 बटे 2 एंड x का, करना होगा ना इसको,